हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल इन अभिषेक गेमिंग। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ब्लेयर विच। कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक जंगल में हैं और एक ये रास्ता है। इसमें बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं गेम स्टार्ट करता हूँ। अभी तो स्टार्ट किया ही है। तो इसमें यह है कि एक हमारा कोई फ्रेंड या कोई है, वो इस जंगल में आया था और उसने हेल्प, मतलब वो फंस गया और उसने हेल्प के लिए मुझे बुलाया है कि मेरी हेल्प कर दो। उसकी उसको हेल्प चाहिए कि वो इस जंगल में फंस गया है, तो हम उसको ढूंढना है। और यह हमारा पेट है, यह हमारा डॉग है। यहाँ एक बंकर है लेकिन वो बंद था। अब हम अपने डॉग के साथ मतलब ढूंढेंगे उस आदमी को। यहाँ पर एक बॉल पड़ी है। हाँ, ये बॉल शायद उसकी हो सकती है। तो मैं अपने डॉगी को सुंघाता हूँ और देखता हूँ ये ढूंढ पाता है कि नहीं मेरे डॉगी। ओके, तो इसको स्मेल आ गई है और ये कहीं तो जा रहा है। चलो इसको पीछे पीछे जाते हैं। ओके, तो ये स्मेल पता लगा के लेके चल रहा है हमको कि कहाँ हो सकता है वो इंसान जिसने हमको बुलाया था। ओ कहाँ है भाई? तो ये यहाँ पर रुक गया है। इसको स्मेल, एक मिनट, अब आई 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 धीरे धीरे आ रही है। You sure this is the right way, buddy? इसके पीछे पीछे मैं चलते जा रहा हूँ क्योंकि इसको स्मेल आ रही है। और ये क्या है? किसी की कार पड़ी हुई है लेकिन बहुत पुरानी, खराब हो गई है। उसकी नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत तो पुरानी नहीं होगी। ओके, ये कहाँ चले गया भाई? भाई यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ और हमारा डॉगी जो है वो पता नहीं कहाँ चले गया है। इसको बुला रहा हूँ मैं, देखते कहाँ गया। क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हम भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डॉग को ऐसा है कि उनको पता रहता है, सुन के वो रास्ता भी पता कर सकते हैं। और जहाँ से मैं आया हूँ मुझे नहीं याद रहेगा लेकिन इस डॉग को याद रहेगा। तो मुझे इसका रहना बहुत जरूरी है। ओके, मिल गया हमको, यहाँ पर है ये। इसको कुछ तो दिख रहा है सामने। और भाई 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 क्या था वो? भाई कुछ तो था एकदम सामने वो पेड़ के पास। भाई रोंगटे खड़े कर दिए भाई। पता नहीं कुछ तो अजीब सा चीज था जो ऐसे, मैंने उसके ऊपर लाइट फोकस किया वो तुरंत ऐसे हट गया। ओके, तो हमारा टास्क ये है कि हमको ये जो टॉर्च है अपने इस डॉगी पे ना, मतलब ध्यान रखना है अपने डॉगी पर, क्योंकि इस जंगल में कुछ तो बुरा है जिससे हमको हार्म हो सकता है। आदमी ने हमको बुलाया था कि एक पेड़ के नीचे, लेकिन ये क्या मिल गया हमको? एक किसी का कैमरा है। अच्छा, तो ये जिस आदमी ने हमको बुलाया है उस आदमी का कैमरा है और वो यहीं कहीं है लेकिन दिख नहीं रहा है हमको। एवं वॉकी टॉकी पे भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। कोई भाई साहब, भाई कुछ तो गलत है यहाँ पर, कुछ तो गलत है। कुछ तो यहाँ जो कि मेरा डॉग, क्योंकि जो डॉग देख सकते हैं ना वो इंसान नहीं देख सकते। और ये कुछ तो देख के बार्क कर रहा है बार बार इस तरफ। भाई देखो कुछ तो है और हमको अपने डॉग को उससे बचाना है, अपने डॉग को भी और हमको खुद बचना है। ओके, कुछ तो गलत सीन हो गया यहाँ पर। वो देखो हमको बस इस पे लाइट मारती रहनी है क्योंकि इसको कुछ हो ना जाए। ये जो भी चीज है अब हमारे डॉग को हार्म ना करी। देखो वहां पे कुछ तो था भाई। गलत सीन है, गलत सीन है।
और यहाँ पे कुछ तो रेड रेड मुझे दिख रहा है, क्या है देखते हैं, जाके पास जाके देखते हैं क्या है। क्लाइम करते हैं यहाँ पर, ये कुछ तो है रेड रेड। एक मिनट, ये क्या है, कुछ गाड़ी के जैसा कुछ मशीन लग रहा है ये तो। हाँ गाड़ी मशीन, पता नहीं क्या तो है, कुछ तो है। आई थिंक ये ट्रेन है, नीचे देखो ट्रैक ट्रैक है। ये कोई इंजन है जो टूट गया है, और यहाँ पेड़ गिरा है एक। एक मिनट यार, मुझे जो फुटेज मिली थी उसमें भी शायद ऐसे ही कुछ पेड़ था। देखो यहाँ पर एक, ये देखो पेड़ गिरा है, और इसके वजह से शायद ये जो ट्रेन में जो ये इंसान आ रहा था ना, तो उस वो लोग का हार्म हुआ होगा। देखो एक मिनट देखते हैं। ये देखो ये पेड़ गिर गया, और ये देखो यहाँ पर ये लोग आ रहे थे, और ये जो बॉल हमको मिली थी वही बॉल है बंकर के पास। और ये पेड़ देखो, ये वही पेड़ है जो गिरा हुआ है। और आगे चल के देखते हैं कि कुछ मिल जाए सबूत। हाय लेकिन रात हो रही है, और ये ट्रैक है, हमारा डॉगी पहले यहाँ पर आ चुका है, बहुत फास्ट है ये। ये क्या, ये पुल है कोई, और वो पुल टूट गया है। उस साइड हम नहीं जा सकते क्योंकि नीचे नदी है, हम जाएंगे तो आई थिंक मर जाएंगे गिर के, तो उस साइड तो हम नहीं जा सकते। हम वॉकी टॉकी पे बात करते हैं एक मिनट। कहाँ गोवा हेड भाई, रास्ता ही नहीं है गोवा हेड। Anyway, I'm nearby, so just wait for me there, okay? Yeah, just don't take too long. Well, okay, तो जिस आदमी ने हमको बुलाया था उस आदमी का ही था ये, हम उस आदमी से बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं एक पेड़ के नीचे हूँ, बट हम वहाँ से आ रहे हैं, वो तो मुझे दिखा नहीं। एक बार कुछ नहीं, एक बार वापस जाके देखते हैं। हमारा डॉगी बहुत क्यूट है, इसको बीच बीच में ट्रेड करना पड़ता है ताकि ये मेरी बात अच्छे से माने। ओके तो चलो फिर वापस चलते हैं उस पेड़ जहाँ ये बुला रहा है हमको ये आदमी, वहाँ पर चलते हैं वापस से। और शायद से ये पेड़ गिरा होगा, और ये लोग की ट्रेन क्रैश इसी से ही है, लेकिन ये लोग गए कहाँ वो नहीं पता कुछ। अब इसने जो पेड़ बोला है वो ढूंढते हैं हम। ये मस्त है, वो विसल मारो डॉगी आ जाता है अपना। हम इसमें बहुत सारे कमांड दे सकते हैं डॉगी को कि हमारे पास रहे, बैठ जा, कूद, विसल मारो, तो कहीं भी वो जाते रहेगा तो आ जाएगा हमको ढूंढ के विसल से। तो वो एक चीज़ ठीक है। देखो अभी मैं इसको कमांड दूंगा मेरे साथ चलने के लिए, एक मिनट। हाँ अब ये मेरे साथ साथ ही रहेगा, देखो ये मेरे साथ साथ ही है। ओके तो जिस पेड़ के नीचे उसने बोला था शायद ये वही पेड़ है। हाँ इसमें पत्ते नहीं है, सूखा हुआ है। लैंडिंग, where are you? Still under the tree. So am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Well, look, this doesn't make sense. All of this, it's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Well, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. Okay. You there? Emmett. God damn it.
तो हम लोग उस बंदे को ढूंढने यहाँ पर आए और वो कह रहा है कि मैं यहीं पर हूँ पेड़ के नीचे और ब्लैक ब्लैक है, तो हम भी हैं लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है मुझे कहीं, और मुझ पे उल्टा गुस्सा कर रहा है कि तुम ये नहीं वो, और हम बताओ इतनी रात को उसको ढूंढने और वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है, और पता नहीं कुछ तो यहाँ पर इसको दिख रहा है मेरे डॉगी को भाई, पता नहीं कुछ तो है, यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा क्योंकि वो इंसान जो है पहाड़ में मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहा, उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रहा है और मेरे वॉकी टॉकी पे मेरे जवाब भी नहीं दे रहा है कुछ अच्छे से। तो मैं अब निकलता हूँ इस जंगल से, निकलना पड़ेगा इस जंगल से क्योंकि वो जिसको हम ढूंढने आए तो वो तो दिख नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं पेड़ के नीचे हूँ लेकिन मैं भी तो यहाँ पर हूँ। वापस इस बंकर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ तो गए तो वहाँ तो बंकर था, इस वाले रास्ते पे चलते हैं देखते हैं क्या है। तो फोन में सिग्नल भी नहीं है, किसी का मैसेज कुछ नहीं, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता, बुला भी नहीं सकता क्योंकि, और ना किसी को मैसेज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में सिग्नल ही नहीं है। यहाँ तो बंकर था, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे जाके बंद है बंकर। इस तरफ एक रास्ता जा रहा है, इस तरफ देखते हैं क्या है। बुलेट, इसका नाम बुलेट, मेरे डॉगी का नाम, इस डॉगी का नाम है बुलेट। स्टिक क्लोज टू मी। ओके, तो ये रास्ते से हम जा रहे हैं कहीं, एक रास्ता यहाँ पर निकला है, इसको देखो पानी में जाके नहा रहा है ये पानी में इस टाइम पे। ओके, तो अभी फिर हम लोग चलते जा रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो देखेंगे इस जंगल से निकलेंगे हो सकेगा तो। एक रास्ता तो जा रहा है यहाँ से, अब पूरा अंधेरा है। ओके, अब ये सूंघेगा, हाँ सूंघ के कहीं लेके जाएगा हमको, इसको अगर कुछ खुशबू आ रही होगी तो, क्या पता वो इंसान यहाँ आया हो इस जगह पे कि कुछ हमको कुछ सुराग मिल जाए तो बढ़िया है ना, वो बात उसके लिए देखते हैं कुछ मिल जाए तो अच्छा है। एक मिनट गाइस, ये क्या है, ये तो किसी की कार है। अच्छा, ये उस जो बंदा था ना उसी की कार है ये। I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett, talk to me. वो बंदे का कुछ रिप्लाई भी नहीं आ रहा है और उसकी कार यहाँ पर है लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर है। अब इस कार का हम क्या करूँ, मैं इसका दरवाजा भी लॉक है। ये कुछ तो वहाँ देख रहा है, पता नहीं, इस कार का दरवाजा भी लॉक है, यहाँ कुछ तो है। द लाइट, इसमें कुछ तो लिखा था द लाइट, और क्या करना है, मैं वॉकी टॉकी से बात करता हूँ एक बार फिर से। Hello? Yeah, why the hell not? Okay, तो हम वॉकी टॉकी पे पता नहीं किसी का तो आवाज आया है, उसने कहा है कि कार का लाइट्स ऑन करने के, लेकिन कार का चाबी, ओ मिल गया, इस डॉगी ने हमारे कार का चाबी ढूंढ लिया है। ओके, स्मार्ट है ये डॉगी, तो चलो कार को तो खोल दिए, अब अंदर बैठते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं। ऐसे तो लाइट चालू करने बोला है, देखते हैं लाइट चालू करते हैं हम लोग। तो ये एक लीवर है यहाँ पर, नहीं चाबी लगाना है, लीवर बोल रहा हूँ मैं, चाबी लगाया लेकिन ऑन नहीं हो रही है गाड़ी। यहाँ पर क्या है, नो बैटरी। अच्छा, तो मतलब बैटरी नहीं है, बैटरी ख़त्म हो गई है शायद, नहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। अब आगे का बोनट खोल के देखना पड़ेगा, एक मिनट क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ पर
ओके, तो बैटरी के चार्जिंग ख़त्म नहीं हुई है, बस ये जो स्विच था जो भी बोलते हैं वो निकल गया था, इसको लगा दिया है हम लोग ने। ओके, तो कार चालू हो गई है और लाइट भी, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। आई थिंक हमें कार से जाना है कहीं पर, देखते हैं, बैठते हैं, बैठ के देखते हैं क्या होता है। तो लाइट्स ऑन है, ये कुछ अलग टाइप का कार है, लेकिन कोई पेपर था। ये देखो ना, रेडियो है कि क्या है, पता नहीं क्या क्या। ये देखो नीचे क्या है, ये क्या है, That explains it. फ्यूज है किसी चीज का ये। That looks good. ओके, ये क्या हो गया? But... Guys, मैंने वो बटन दबाया और ये क्या हुआ, कैसे हो गया ये? ये देखो, मैंने वो बटन दबाया और सुबह हो गई। हाँ, ये देखो सुबह हो गई, लेकिन ये पॉसिबल कैसे? मैंने सिर्फ एक बटन दबाया और सुबह हो गई। ये देखो, अंधेरा तो कुछ नहीं दिख रहा था अगल बगल में, लेकिन अब देखो। Yeah, my thoughts exactly. क्या हम टेलीपोर्ट हुए या कुछ तो हुए, लेकिन सुबह हो गई कैसे वो पता नहीं, लेकिन एक लाइट से कैसे सुबह हो गई यार। लेकिन जो भी हुआ, एक चीज़ तो ये तो अच्छी हुई कि सुबह हो गई, क्योंकि बहुत अंधेरा था, और ये अच्छी चीज़ हुई है आई थिंक सुबह हो के। Yeah, good dog. इस डॉगी ने भी अपनी बहुत हेल्प की है चाबी लाने के लिए, गुड गुड। तो ओके गाइस, मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। होप यू आर गाइस एंजॉय। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय।